किसी माशूक के खतों में इंकलाबी आग लगा देने के बाद हवा में जो खुशबू रवा होगी उसका नाम होगा असरार उल हक मजाज। मजाज की पैदाइश 19 अक्टूबर 1911 को एक जमींदार पिता के घर में हुई थी। घर के पढ़े लिखे माहौल और तरक्की पसंद ख्यालात ने मजाज के अंदर एक जहानत भर दी। असरार उल हक की तालीम का सफर लखनऊ और आगरा से होते हुए अलीगढ़ तक पहुंचा। यहीं मजाज ने अपनी बेहद दिलकश और गहरी आवाज में पढ़ा था, खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूं मैं। देखते देखते मजाज की शोहरत बुलंदियां छूने लगी थी। अब वो सिर्फ एक तालिबे इल्म नहीं थे बल्कि एक मशहूर शायर हो चुके थे और लड़कियां उनकी किताब अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करती थीं। रोमानी तबीयत के मजाज से सियासी हालत भी अछूते नहीं थे। सियासत और सत्ता के विरोध में उन्होंने लिखा, बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावा डोल। नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं हम। धोखा और मजदूरों को दें, ऐसे तो मजबूर नहीं हम। दिल्ली में मजाज को एक शादीशुदा महिला से इश्क हो गया, लेकिन यहाँ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद मजाज ने बेतहाशा शराब पीनी शुरू कर दी। इसी दर्द बेख्याली और निराशा के भंवर में सर तक डूबे मजाज ने अपनी सबसे प्रसिद्ध नज्म आवारा लिखी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। जब उनकी मुलाकात नरगिस से हुई तो उन्होंने कहा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इसका परचम बना लेती तो अच्छा था। रोमानी और इंकलाबियत दोनों अलग मिजाज को एक साथ किसी शेर में कहना शायद ही किसी को आता था। लेकिन बिगड़ी तबीयत और उदास माहौल ने मजाज की जिंदगी को जैसे उधार का बना दिया था। 3 दिसंबर 1955 को लखनऊ में एक बहुत बड़ा मुशायरा आयोजित हुआ। दूर दूर से कई शायरों ने उसमें आमद की। मजाज भी वहां पहुंचे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि मजाज से रूबरू होने का ये एक आखिरी मौका था। 4 दिसंबर की रात मजाज ने कुछ दोस्तों के साथ ठिठुरती रात में छत पर शराब पी। इसके बाद उनके दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन मजाज ने सारी रात वहीं छत पर गुजारी। अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 5 दिसंबर को मजाज ने जिंदगी से इस्तीफा दे दिया। इंसानी जज्बे, बदलाव, चाहत, रोमानियत का इतना बड़ा शायर ना हुआ है ना होगा। अपने हालात को जानते हुए बहुत पहले ही मजाज ने लिख दिया था कि जिंदगी साज दे रही है मुझे, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे।